मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राहें कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में पड़ जाएंगे, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार, मसीह में मेरे सब प्रिय भाई बहनों का एक बार फिर से इस प्रातकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी आशा है परमेश्वर के अनुग्रह में आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके साथ निरंतर बनाए रखे। एक और भोर का सूरज, एक और नया दिन, नई आशाएं और उमंगें सिर्फ नहीं, लेकिन नए भय और नए असमंजस, नई आशंकाएं। आज इस संसार में बहुत से लोग भय के आगोश में अपना जीवन बिताते हैं और यहां तक कि वो कई बार उस भय और आशंका के कारण अपने आप को छुपा लेते हैं, औरों से कट जाते हैं क्योंकि वो उनका सामना नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब यहोशू भी ऐसी एक परिस्थिति से गुजर रहा था, परमेश्वर उसे क्या कहता है, हम उसको कई दिनों से हम मनन कर रहे हैं। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय है और उसके 4 वचन 5 वचन 6 वचन, कई सारे वचनों को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है हियाब बांध कर दृढ़ हो जा। 7 वचन, हियाब बांध कर बहुत दृढ़ हो जा। 9 वचन, हियाब बांध कर दृढ़ हो जा। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, डोंट बी अफ्रेड। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन कुछ ऐसा लगता है कि एक बच्चा जब भयभीत हो तो मानो पिताजी उसको बोल रहे हैं, अरे रोना बंद करो, हियाब बांधो, दृढ़ हो जाओ। ये हियाब बांधना, इसका अर्थ क्या है? क्या हियाब बांधना वो भय से मुक्ति को प्रदर्शित करता है? नो, भय वहां है और भय के बीच में हियाब बांधना वो वास्तविक एक अच्छे चरित्र को दिखाती है। और ये पता है कब प्रकट होता है? लोग क्या करते हैं, भय की अवस्थाओं से भागना चाहते हैं, भय की अवस्थाओं में वो वहां दृढ़ होकर खड़े नहीं रह पाते। लेकिन वास्तविक हियाब क्या है कि उस भय के बीच में खड़े होकर उसका सामना करें। और ये